हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा आदिवगन की सिंगम के एक और एपिसोड में वापस। देखो, सिंगम एक ऐसी मूवी है जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो कर सकती है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग के साथ साथ 24 में हाईएस्ट बिजनेस भी कर सकती है इंडिया नेट में। अभी मुझे एज ऑफ नाउ यही दिख रहा है। देखो, जब 24 स्टार्ट हुआ था तो हमारे सामने तीन चार बड़ी बड़ी मूवी थी, जैसे कि फाइटर, साथ में बड़े मियां छोटे मियां, एक एक्शन टाइप की बात कर रहे हैं, एंड साथ में कौन थी, सिंगम, मतलब फर्स्ट हाफ के फर्स्ट हाफ ले लो आप। बट उसमें से दो मूवीज की बात करें यहाँ पे हम, फाइटर और बड़े मियां छोटे मियां, क्योंकि फाइटर ने 212-213 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस किया, जो कि हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, एंड ये एक एवरेज से मामला थोड़ा डाउन ही रहा। जो कि बड़े मियां छोटे मियां ये तो एक डिजास्टर पिक्चर है गाइस, वो रही है। अभी सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि सिंगम क्या करने वाली है, क्या वही हाल होगा जो भी अभी हमने पीछे देखा है। बट ऐसी बात नहीं है, ये एक फ्रेंचाइजी मूवी है, उम्मीदें हमें काफ़ी ज़्यादा है, एंड ऊपर से इसमें स्टार, भाई स्टार कास्ट देखो, इतने बड़े बड़े नाम है, अजय देवगन, करीना, दीपिका, अक्षय कुमार बतौर सूर्यवंशी, सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका तो है ही है, इतने बड़े बड़े नाम है, साथ में भाई अर्जुन कपूर, उनको कौन ही भूल सकता है। चलो जो भी है, इस बार रोहित शेट्टी भाई उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उम्मीद कर दें कि काफ़ी हमें यूनिक लुक है उनकी देखने को मिलेगी। हाँ, उनकी लुक थोड़ा कंपैरिजन पुष्पा के साथ में किया जा रहा है, बट जब मूवी देखेंगे, टीजर ट्रेलर में उनकी लुक देखेंगे तो अभी कुछ ज़्यादा बता पाएंगे, बाकी अभी से इतना बोलना भाई कुछ ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, तो लेट्स सी गाइस, इंतज़ार करते हैं जब भी मेकर्स रिलीज करेंगे। फिलहाल जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सिंगम के रिलेटेड, देखो आप सबको याद ही होगा, मैंने शायद एक वीक पहले एक एपिसोड बनाया था कि यहाँ पे रोहित शेट्टी है वो तमाको फैक्ट्री में, उनका नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल को, बट अभी इस शेड्यूल को थोड़ा सा भाई पुश किया इन्होंने 17 तारीख के लिए, यानी कि 17 अप्रैल को, और ये अभी शेड्यूल शूटिंग है वो कंटिन्यू चल रही है, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा भाई सॉन्ग शूट करने वाले हैं मेकर्स। जय गाइस, बड़ा सा एक सॉन्ग शूट करने वाले जिसमें बैकग्राउंड डांसर ऑलमोस्ट 400+ है वो रहने वाले हैं। जी गाइस, 400 से ज़्यादा है, जैसे एज ऑफ नाउ हमने बड़े भैया छोटे भैया जितने सॉन्ग्स देखे, आप टाइटल ट्रैक ले लो, जूम जो मेरा टाइटल नाम बोल गया यार, दो तीन जितने भी सॉन्ग थे उसमें बैकग्राउंड डांसर काफ़ी ज़्यादा थे, तो कुछ यही इसी तरह ये सॉन्ग है वो रहने वाला है। एंड इसमें जो कोरियोग्राफर हमारे गणेश आचार्य जी वो रहने वाले, सुनने में आ रहा कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग देंगे, एंड ट्रेनिंग देने के बाद कम से कम 3-4 दिन लगेंगे भाई इस सॉन्ग को शूटिंग करने के लिए, या गाइस 3 से लेके 4 दिन। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें अच्छा खासा मनी इन्वेस्ट किया गया है, तो काफ़ी बड़ा सॉन्ग ये रहने वाला है, 400+ बैकग्राउंड डांसर है, तो ऑब्वियसली सॉन्ग तो काफ़ी बड़ा लग ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये सॉन्ग भी रिलीज से पहले ही आ जाए, वो आना भी चाहिए, साथ साथ में कौन सी इसमें स्टोरी चलेगी, लेट्स सी गाइस, देखेंगे। और देखो अभी न्यूज़ की माने तो इसमें दीपिका इंक्लूड है वो नहीं रहने वाली है। जी हाँ गाइस, दीपिका इस जो ये डांस सॉन्ग रहने वाला है इसमें वो इंक्लूड नहीं होंगी। अब रीज़न की माने, न्यूज़ की माने तो लिखा गया है कि ए लिटिल बेबी इज़ अबाउट टू कम टू देयर हाउस, अब यही ये रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है पता नहीं, बट ये जो न्यूज़ मैंने उसको बताई ये काफ़ी टाइम पहले से आ रही है, तो मे बी ये भी एक रीज़न है वो हो सकता है। एंड रिलीज डेट की बात करें, देखो अभी ये इनका फाइनल शेड्यूल है वो रहने वाला है वो अप्रैल लास्ट तक भाई शूटिंग है वो रैप अप कर देंगे, साथ में रेटू की भी, अजय देवगन की बात कर रहे हैं, और साथ में सिंगम की भी। देखो शूटिंग तो वो कंप्लीट कर देंगे, बट कभी कभी रीशूट करने की ज़रूरत पड़ती है, चलो ये तो बात की बात है, बट अभी के लिए ये उनका फाइनल शेड्यूल ही रहने वाला है। एंड रिलीज डेट देखो यहाँ पे रोहित शेट्टी और अजय देवगन वो भी पिक्चर को भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई उन्होंने जियो स्टूडियो को, भाई जियो को बता दिया कि हम ये पिक्चर है वो इंडिपेंडेंस वीकेंड पे रिलीज है वो नहीं कर रहे, हमारी फ़िलहाल कोई भी प्लानिंग नहीं है, एंड जियो ने भी इस चीज़ के लिए भाई एग्री की है, वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको पूछना तो बनता था। अब इनका नेक्स्ट रिलीज डेट क्या है फिलहाल गाइस कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि 100% ये पिक्चर आगे की ओर यहाँ पे पुश है वो हो गई है। वैसे मेकर्स काम तो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते थे, अभी पुष्पा की बात करें जो कि वो भी इंडिपेंडेंस पे आ रही है, ऑलमोस्ट 70 से लेके 75% ही शूटिंग है वो कंप्लीट हो पाई है, एंड 20-25% भी बचा हुआ है, मतलब कि अभी उनको अप्रैल छोड़ो मई का भी मंथ है वो लग सकता है शूटिंग कंप्लीट करने के लिए।
चलो गाइज जो भी है अभी नेक्स्ट डेट दिवाली बताई जा रही है, जो कि दिवाली आना मेरे ख्याल में ये भी एक सही डिसीजन नहीं होगा सिंघम के लिए। यार क्यों क्लैश करवाना, दो दो पैन इंडिया मूवी आ रही है उस टाइम पे, एक तो भूल भुलैया, आगे से आपको रेटू पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्यों यार फंस रहे हो आगे जाके। आप थोड़ी मेरे ख्याल में टेबल में बैठो, ऑल ऑफ प्रोड्यूसर एंड विद अजय देवगन जो मेन लीड रोल में है, तो थोड़ा प्लानिंग करो, इतना दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगस्त 15 को सीधा डायरेक्टली क्लैश नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा आप एक वीक आगे जाओ, जो कि इसमें आंसू की काफ़ी टाइम पहले बताया, 22 ले लो या फिर 23 ऑफ अगस्त ले लो, आगे फिर 4-5 हॉलीडेज भी आ रहे हैं बीच बीच में, आप अगस्त सितंबर के ले लो, तो सितंबर में वैसे भी कोई स्टार्टिंग से कोई बड़ी पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ थारावती पीछे आ रहे, बट वो एक ओरिजिनल तमिल है, हिंदी में सिंगल स्क्रीन में आके रिलीज होगी, एंड बाकी दो वीक का वैसे भी गैप हो ही जाएगा, एंड दो वीक्स में साउथ मार्केट से अच्छा सा बिजनेस आ ही जाएगा। चलो देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं और कब तक हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। बाकी डिवाइस एडवांस बुकिंग और डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स और सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।